हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2017 में पूछे गए एडियम फ्रेज। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछे गए टॉपिक्स लाइक सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अदर टॉपिक्स लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम फ्रेज, ये सारे टॉपिक्स हम जल्दी ही कवर करेंगे। एडियम फ्रेज की सीरीज का आज हमारा पार्ट वन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू कीप द वर्व फ्रॉम द डोर, किसी तरह से गुजारा करना या भूखमरी से बचना, भूखमरी से बचना या किसी तरह से गुजारा करना, इसके लिए हम यूज करते हैं टू कीप द वर्व फ्रॉम द डोर। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाता हूँ, जस्ट एनफ टू कीप द वर्व फ्रॉम द डोर, केवल भूखमरी से बचने के लिए पर्याप्त है या किसी तरह गुजारा करने के लिए पर्याप्त है। तो किसी तरह से गुजारा करना या भूखमरी से बचना, अवॉइड स्टार्वेशन इज कॉल्ड टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। स्टार्वेशन भूखमरी, अवॉइड इसे अवॉइड करना, भूखमरी से बचना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट है टीथिंग प्रॉब्लम्स, ये होता है शुरुआती समस्याएं, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के समय जो समस्याएं खड़ी होती है तो उसे हम कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स या शुरुआती समस्याएं। फॉर एग्जाम्पल, देर मे बी सम टीथिंग प्रॉब्लम्स, कुछ शुरुआती समस्याएं हो सकती है, एज क्योंकि वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, क्योंकि हमने एक नया बिजनेस शुरू किया है तो कुछ शुरुआती समस्याएं हो सकती है, कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो टीथिंग प्रॉब्लम्स को यूज करते हैं शुरुआती समस्याएं के सेंस में। प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के समय जो समस्याएं होती है, जो स्टार्टिंग में समस्याएं होती है, इसे कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट है मिली माउथ, ये होता है चापलूस, जो चिकनी चुपड़ी बातें करे, चापलूसी करे, उसके लिए हम यूज करते हैं मिली माउथ। फॉर एग्जाम्पल, मिली माउथ पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी, वो विश्वास के लायक नहीं होते जो चापलूस लोग होते हैं, जो मिली माउथ पीपल होते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए जो चापलूसी करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उसे हम कहते हैं मिली माउथ। इल टेम्पर्ड मीन्स दुष्ट, ये नहीं होगा। सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन इज चापलूस, चापलूस। एंथुसियास्टिक इज जोशीला, डिप्रेस्ड इज निराश, हताश। इसका आंसर होगा सॉफ्ट स्पोकन, दैट इज चापलूस या मिली माउथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्स, ये होता है अनियमित रूप से, नॉट रेगुलर, अनियमित रूप से कुछ होना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्स। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, उसने इस प्रोजेक्ट पे काम किया बाय फिट्स एंड स्टार्स, अनियमित रूप से, नॉट रेगुलर, अनियमित रूप से काम करना, ये होता है बाय फिट्स एंड स्टार्स। ओकेजनली कभी कभी, ये नहीं होगा। टोटली पूरी तरीके से, ये भी नहीं होगा। फाइनली अंतिम तरीके से या निर्णायक रूप से, ये भी नहीं होगा। इरेगुलरली, जो रेगुलर तरीके से नहीं हो, अनियमित तरीके से हो, ये होता है बाय फिट्स एंड स्टार्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट है रैट रेस, रैट रेस होता है चूहा दौड़, जीवन का एक तरीका जिसमें लोगों को धन या शक्ति के लिए भारी प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष में पाया जाता है, तो उसे कहते हैं चूहा दौड़। ये होता है चूहा दौड़, शक्ति के लिए या धन के लिए अंधी दौड़, ये होता है चूहा दौड़ या रैट रेस। फॉर एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड टू गेट आउट ऑफ द रैट रेस, उसने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निर्णय लिया। तो ये चूहा दौड़ होता है जीवन का एक तरीका जिसमें लोगों को धन या शक्ति के लिए एक भारी प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष में पाया जाता है। अ वे ऑफ लाइफ इन विच पीपल आर कॉट अप इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर वेल्थ और पावर, जीवन का एक तरीका जिसमें लोगों को धन या शक्ति के लिए भारी प्रतिस्पर्धा, भारी संघर्ष में पाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं रैट रेस, चूहा दौड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है स्पिन वंस व्हील्स, ये होता है कम लाभ के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट करना, बहुत ही ज्यादा कोशिश करना, बट गेन, उपलब्धि जो है वो काफी कम हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्पिन वंस व्हील्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर जस्ट स्पिनिंग आवर व्हील्स,
वी कैन नॉट गेट एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। यदि हम बहुत कम लाभ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहे तो हम कुछ खास नहीं पा सकते। वी कांट गेट एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हम कुछ खास पा नहीं सकते या कुछ खास गेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पिन वंस व्हील्स, कम लाभ के लिए, छोटी उपलब्धि के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना। एक्सपेल मच एफर्ट्स फॉर लिटिल और नो गेन, जो गेन नहीं के बराबर है, जो उपलब्धि नगण्य है, नहीं के बराबर है या बहुत ही छोटा सा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ये होता है स्पिन वंस व्हील्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है पुट वंस फुट डाउन, ये होता है अपने फैसले में स्थिर या अनम्य होना, फ्लेक्सिबल नहीं होना, दृढ़ होना, स्ट्रिक्ट होना, या विरोध या असहमति के साथ सामना करते समय एक दृढ़ नीति को अपनाना, इसे कहते हैं पुट वंस फुट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर चाइल्ड ओबीडियंट, यदि तुम अपने बच्चे को आज्ञाकारी बनाना चाहते हो, यू विल हैव टू पुट योर फुट डाउन, तुम्हें अपने फैसले में स्थिर होना होगा, दृढ़ होना होगा, या विरोध या असहमति के साथ सामना करते समय एक दृढ़ नीति को अपनाना होगा। तो ये होता है पुट वंस फुट डाउन। अडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड विद अपोजिशन और डिसओबीडियंस, विरोध या असहमति के साथ सामना करते समय एक दृढ़ नीति को अपनाना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है विसल इन द डार्क, ये होता है बहादुरी का नाटक करना या निर्भीक होने का नाटक करना, फियरलेस होने का नाटक करना, निर्भीक होने का नाटक करना, ये होता है विसल इन द डार्क। फॉर एग्जाम्पल, आई नो एवरीथिंग, डोंट विसल इन द डार्क, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, डोंट विसल इन द डार्क, निर्भीक होने का नाटक मत करो, बहादुरी का नाटक मत करो, प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, भयभीत नहीं होने का बहाना करना, उसका नाटक करना, वो दिखावा करना, प्रिटेंड करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड इज कॉल्ड विसल इन द डार्क। नेक्स्ट है द अल्फा एंड द ओमेगा, ये होता है शुरुआत और अंत, किसी चीज के स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इसके लिए हम यूज करते हैं द अल्फा एंड द ओमेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू नो, तुम्हें जानने की जरूरत है, द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक का शुरुआत से लेकर अंत तक तुम्हें जानने की जरूरत है। तो शुरुआत और अंत के लिए हम यूज करते हैं अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, शुरुआत और अंत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट है थ्रो अप द स्पंज, ये होता है घुटने टेकना, हार मान लेना, सरेंडर कर जाना, या घुटने टेकना या हार मान लेना, ये होता है थ्रो अप द स्पॉन्ज। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट थ्रो अप द स्पॉन्ज अनलेस आई पास द एग्जाम, मैं घुटने नहीं टेकूंगा अनलेस, जब तक कि नहीं, कंडीशन ये है, अनलेस कंडीशन के लिए यूज करते हैं, और कंडीशन ये है आई पास द एग्जाम, जब तक कि मैं एग्जाम को पास नहीं कर लेता तब तक मैं घुटने नहीं टेकूंगा। तो आई विल नॉट थ्रो अप द स्पॉन्ज, थ्रो अप द स्पॉन्ज मीन्स घुटने टेकना या हार मान लेना, सरेंडर कर जाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू सरेंडर। नेक्स्ट है टू पुट अ स्पॉक इन वंस व्हील, प्रगति के रास्ते में कठिनाई डालना, रुकावट खड़ी करना, बाधाएं डालना, इसे कहते हैं टू पुट अ स्पॉक इन वंस व्हील। फॉर एग्जाम्पल, His refusal for the funding of our project really put a spoke in our wheels. His refusal, उनका इनकार for the funding of our project, हमारे प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए उनका इनकार really put a spoke in our wheels, ने वास्तव में हमारी प्रगति के रास्ते में कठिनाई डाला, कठिनाई खड़ी की। तो बाधा खड़ी करना, कठिनाई खड़ी करना, इसके लिए हम यूज करते हैं to put a spoke in one's wheels, प्रगति के रास्ते में बाधा डालना, रुकावट खड़ी करना या परेशानी पैदा करना, ये होता है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट है एट लॉगर हेड्स,
लॉगरहेड्स की स्थिति में होना, किसी के साथ संघर्ष या टकराव की स्थिति में होना, टकराव की स्थिति में होना या संघर्ष की स्थिति में होना किसी के साथ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट लॉगरहेड्स। फॉर एग्जाम्पल, दे आर एट लॉगरहेड्स ओवर द बेस्ट वे टू लीड द कमिटी। कमेटी के लीड करने का बेहतर तरीका क्या होगा, इस बात को लेकर वे टकराव की स्थिति में है। मतलब उनके विचार मैच नहीं कर रहे, विरोधाभास हो रहा है, विचारों का टकराव है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं एट लॉगरहेड्स, टकराव की स्थिति में होना या संघर्ष की स्थिति में होना, इन कन्फ्लिक्ट विद समवन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, किसी के साथ संघर्ष या टकराव की स्थिति में होना इज कॉल्ड एट लॉगरहेड्स। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गुज चेस, ये होता है बेकार की खोज, बेकार की खोज, यूजलेस सर्च, या किसी ऐसे चीज़ की खोज जो वास्तव में है ही नहीं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ वाइल्ड गुज चेस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन ऑन अ वाइल्ड गुज चेस ट्राइंग टू फाइंड हर लॉस्ट वॉच। मैं उसके खोए घड़ी को ढूंढने की बेकार कोशिश कर रहा था। तो बेकार की खोज, बेकार की कोशिश, या ऐसी चीज़ के लिए खोज जो वास्तव में है ही नहीं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ वाइल्ड गुज चेस, यूजलेस सर्च, बेकार की खोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है अ मूट पॉइंट, ये होता है विवादित या विवाद की जड़, विवादित या विवाद की जड़, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ मूट पॉइंट, एन इशू ओपन टू आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ मूट पॉइंट वेदर द चिकन और द एग केम फर्स्ट। यह विवाद का विषय है, विवाद की जड़ है या विवादित है कि पहले चिकन आया या एग। तो ये होता है अ मूट पॉइंट डिस्प्यूटेड, जो विवादित हो, जो विवाद की जड़ हो। अग्रीएबल, जो सहमति के लायक हो, ये नहीं होगा। अनक्लियर, जो स्पष्ट नहीं हो। अननोन, जो अनजान हो। इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्प्यूटेड, मीन्स अ मूट पॉइंट, विवादित या विवाद की जड़। अ डिबेटेबल क्वेश्चन या एन इशू ओपन टू आर्गुमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट है स्पीक एंड स्पैन, ये होता है साफ सुथरा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, इसे कहते हैं स्पीक एंड स्पैन। फॉर एग्जाम्पल, दे स्पेंट आवर्स क्लीनिंग द हाउस सो दैट इट वॉज स्पीक एंड स्पैन बिफोर द पार्टी। उन्होंने घर की सफाई में घंटों बिताया ताकि पार्टी से पहले यह साफ हो जाए, स्पीक एंड स्पैन हो जाए, इनकी साफ सुथरा। तो ये होगा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये था आज का हमारा इडियम फ्रेज का पार्ट वन। SSC CGL 2017 में पूछे गए इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चंस को पार्ट वाइज कवर करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।